मंदिर ऐसा जहां देवी करती हैं अग्नि स्नान और उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती है लाखों लोगों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क फिर से लेकर आ गया है धर्म और अध्यात्म सेगमेंट की अगली कड़ी, जहां हर बार हम आपको लेकर चलते हैं एक नई धार्मिक जगह पर और बताते हैं आपको उस जगह की महत्ता और विचित्र मान्यताओं के बारे में। मगर इस बार हम रांची झारखंड से बाहर पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां देवी माँ जल या दूध से अभिषेक नहीं लेती बल्कि साक्षात अग्नि से स्नान करती हैं। आखिर क्या है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर का रहस्य, आइए जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जो कि है राजस्थान के बम्बोरा में। और ये मंदिर है इडाना माता का मंदिर जहाँ अपने आप आग लग जाती है और देवी माँ इसमें अग्नि स्नान करती हैं। पुजारी बताते हैं कि इडाना माता पर जब भी भार बढ़ने लगता है तो माँ स्वयं ही ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती हैं और ये अग्नि धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेती है और इतनी बढ़ जाती है कि इसकी लहरें 10 से 20 फुट तक पहुंच जाती है, जिसके बाद मंदिर में आग लगने की बात पता लगते ही आसपास के सभी गांवों से लोगों की भारी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ती है। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि आग की इतनी ऊंची लपटें उठने के बाद भी ये अग्नि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। आपको बता दें कि ये जगह उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जहां उदयपुर मवेली की महारानी इडाना के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर की बात करें तो यहाँ के रहने वालों का कहना है कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार मंदिर में अपने आप ही आग लग जाती है और मूर्ति को छोड़कर सारा श्रृंगार और चूनर जलकर स्वाहा हो जाता है। मगर ये आग कैसे लगती है ये तो आज तक नहीं पता चल पाया है। मगर बस यही कारण नहीं है इस मंदिर में भक्तों की खास आस्था का, इसके अलावा भी यहाँ की कुछ खास मान्यताओं के कारण लोगों को पूर्ण विश्वास है कि लकवे जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगी भी यहाँ इस मंदिर में आकर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। वहीं इस चमत्कारिक अग्नि को खुद अपनी आंखों से देख चुके लोग बताते हैं कि इस अग्नि से श्रृंगार के अलावा किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं होता है। इसे देवी का स्नान कहा जाता है और लोगों की इस बात में पूरी आस्था है कि जो इस अग्नि स्नान को देख लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनके सारे दर्द और दुख दूर हो जाते हैं। एक और बात जो शायद बाकी मंदिरों से इसे अलग करती है वो ये कि यूं तो मंदिरों में अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद लोग प्रसाद या मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर नारियल या फूल मालाएं नहीं बल्कि त्रिशूल और झूला चढ़ाने आते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी एक नए धर्मस्थल की, कुछ मान्यताओं, कुछ आस्था, कुछ विश्वास और कुछ चमत्कार के फसानों के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई मान्यताओं, नई आस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे ऐसे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।